2023 के आखिरी दिन भी कश्मीर में आतंक मचाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने अलगाववादी पार्टी तहरीक हुर्रियत को गैरकानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। तहरीक हुर्रियत पर ऐसे समय पर कार्रवाई की गई है जब कुछ दिन पहले ही घाटी के एक और संगठन को बैन कर दिया गया था। सरकार ने 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को प्रतिबंधित कर आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इस संगठन के नेता मसर्रत आलम भट्ट भारत विरोधी एजेंडा चलाता था। वो पाकिस्तान के सपोर्ट में घाटी में गतिविधियां भी कर रहा था। वहीं अब कश्मीरी अलगाववादी पार्टी तहरीक हुर्रियत को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलगाववादी पार्टी तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कश्मीरी अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह ने बताया कि तहरीक हुर्रियत आतंकी गतिविधियों में शामिल था और उसका मकसद जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना था। तहरीक हुर्रियत कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा भी दे रहा था। वो इस्लामिक शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। गृहमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहने वाले संगठन को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की गतिविधियों में शामिल था। यह संगठन जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार कर रहा है और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति या संगठन भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहता है तो उसे तुरंत विफल कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने घाटी से आतंक के सफाई के लिए लगातार अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई कर रही है। ये उसी दिशा में उठाया गया सबसे हाईया कदम है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।